पूरे देश में जाएगा तो ये जो पाँच साल का जो टारगेट रखा था दस करोड़ लोगों को अपने बुज़ुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का कि ये जो बाबा साहेब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का अपने बुज़ुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कराने का वो सपना निश्चित तौर पे कामयाब होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर ताकत है 115 करोड़ तो इसका मतलब हम आर्थिक शक्ति बनने का ताकत भी रखते हैं और हम लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह केवल सरकार के ऊपर निर्भर ना रह के अपने लोगों को भी अंटरप्रनोर बनाएंगे जी पूरे जीवन के संघर्ष से हमारे लोगों को साढ़े तीन हज़ार साल की गुलामी से बाहर निकल कर आए जो प्रेजेंट में भारत की सरकार है उसने भी और इससे पहले जो थी उसने भी एक एक करके भारत के, के संसाधनों को बेचकर प्राइवेटाइज कर दिया है तो एजुकेशन जो रास्ता था उसको भी इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बंद कर दिया चूँकि इतनी ज़्यादा महंगी शिक्षा है प्राइवेट सेक्टर में तो जब नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ एजुकेशन महंगी होने की वजह हम से हमसे छीन जाएगी तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं हम वापस दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं आर्थिक रूप से नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे क्योंकि सरकार से उम्मीद लगाना बेकार है कि सरकार हमें कुछ देगी सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती अपने समाज को हमें तैयार करना पड़ेगा डॉक्टर अम्बेडकर ने दो बड़े सपने देखे थे जो उनके एक सपना शुरुआती सपना था जिसमें उन्होंने प्रबुद्ध भारत मुकनायक जैसे अखबार शुरू किए और सबसे अंतिम जो उनका बड़ा सपना था बुद्ध में भारत का सपना अपने विरासत में वापस लौटने का सपना अखंड भारत का सपना सोने की चिड़िया का सपना तकशिला नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी का सपना था उन्होंने उसको जिया भी किया भी मिलिंद कॉलेज मिलिंद यूनिवर्सिटी आप सबको पता है औरंगाबाद बाबा साहब की देन है बाबा साहब कहते थे कि बहुजन जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं अखबार की कितनी उपयोगिता थी उस समय बाबा साहब अखबार निकालते थे संपादकीय लिखते थे और एक चीज़ जो आप गौर कीजिएगा बाबा साहब ने कभी ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं दिया शुरुआत में उन्होंने किया चाहे वो पानी पीने के लिए आंदोलन हो उन्होंने लिखा एनालिसन ऑफ कास्ट लिखा बुद्धाइन धम्मा लिखी इकोनॉमिक्स पे लिखा तो वो लिखते थे लेकिन अब दौर सोशल मीडिया का है डिजिटल मीडिया का है हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है राजेंद्र पाल गौतम ने दो बीरा उठाया है जो सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं दिल्ली के एक तो बाबा साहब ने जो उन्नीस में सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने का और अब एक बहुजनों का मिशन जय भीम मिशन जय भीम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके सहारे आप कैसे अपने विरासत की तरफ लौटे आपकी विरासत क्या थी पूरे भारत और दुनिया में कैसे बुद्धिज्म फला फुला भारत में कैसे उसको निस्तनाबूद किया गया ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जो सबसे विश्वसनीय होगा तो इन दोनों विषय पर हम बात करेंगे सर मिशन जय भीम दस करोड़ बहुजनों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं वो कारबा कहाँ तक पहुँचा है क्या अपडेट है वो बता काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और अलग अलग राज्यों में लगातार लोग बुला रहे हैं अभी उनतीस तारीख को पूरे राजस्थान प्रदेश का सम्मेलन हुआ है और लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बहुत पूरे राजस्थान प्रदेश से लोग आए थे और सब लोग जुड़ते जा रहे हैं उस मुहिम से मिशन दस करोड़ जो घर वापसी अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में आने का जो सपना है उस सपने से लोग आत्मसात हो रहे हैं उसके बाद गुजरात जाना हुआ गुजरात के कई जिलों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं वहाँ से आके हरियाणा जाना हुआ और साउथ के स्टेट से भी लगातार बुलाया जा रहा है और उत्तर भारत के तो लगभग सभी स्टेट से बुलाया जा रहा है तो पूरी टीम बन चुकी है और पूरी टीम देश भ्रमण कर रही है बुद्ध धम्म रथ वो भी बन के ऑलमोस्ट अच्छा आप लोग रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं धम्म रथ यात्रा हाँ धम्म रथ यात्रा निकलेगी वो जो पूरे देश के अंदर पूरा उसका रोड मैप तैयार हो रहा है पूरे देश में जाएगा तो ये जो पाँच साल का जो टारगेट रखा था दस करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का तो मैं समझता हूँ कि इस सपने को हमने कोई ऐसे ही नहीं देख लिया इस पर एक विस्तृत चर्चा करके गंभीर चिंतन करके पूरी मिशन भीम की टीम ने उसको तैयार किया तो और पूरा बुद्ध सर्किट का दौरा करेंगे आप लोग आप पूरा बुद्धि सर्किट का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर रथ जाएगा और मैं पूरे तरह से आश्वस्त हूँ कि ये जो बाबा साहेब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कराने का वो सपना निश्चित तौर पे कामयाब होगा और साथ ही साथ अब मिशन भीम यूट्यूब चैनल लाने का भी तैयारी चल रही है उसको भी हम लेके आएंगे और इसके साथ साथ जो हमारी जो जनसंख्या है एक करोड़ देश की जनसंख्या है उसमें करीब 115 करोड़ के आसपास बहुजन है तो उस 115 करोड़ को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर ताकत भी हम हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर ताकत है 115 करोड़ है तो इसका मतलब हम आर्थिक शक्ति बनने का ताकत भी रखते हैं तो हम उस दिशा में भी तैयारी चल रही है सब लोग स्टडी कर रहे हैं इतने सारे साथी एम बी ए किए हुए हैं और दूसरे अलग 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 तरह के प्रोफेशनल्स हैं वो भी सब इस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोगों के रोजगार के सब साधन बनाए जाएं और हम लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह केवल सरकार के ऊपर निर्भर ना रह के अपने लोगों को भी ऑन्ट्रप्रनोर बनाएंगे तो कई अलग अलग दौर की मीटिंग्स में और अलग अलग तरह की वर्कशॉप में तैयारी चल रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने लोगों को हम लोग आर्थिक शक्ति के तौर पर तैयार करने में भी कामयाब होंगे सर लोग विधायक बनते हैं मंत्री बनते हैं फिर मुख्यमंत्री बनने का खाब देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर एम आप अलग राह चुन रहे हैं एकदम पोलिटिकल चिंता नहीं सताती आपको वो लक्ष्य नहीं है मंत्री तो आप ये देखिए हमारे समाज के लोगों में सबसे लंबे समय तक शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रामविलास पासवान रहे और एक सपना उन्होंने लोगों को दिखाया था उन्नीस नवासी नब्बे में एक नारा उन्होंने दिया था मैं उस घर में दीपक जलाने चला चलाऊँ जहाँ सदियों से अंधेरा है लेकिन बाई चांस अंत में फिर वो चिराग अपने घर में ही जला पाए और समाज में रोशनी जो लाने की संकल्प लिया था उन्होंने और लोगों ने उनसे उम्मीद भी की थी वो उम्मीद टूट गई और दूसरी तरफ मान्यवर कांसीराम साहब थे जिन्होंने कुर्सी को महत्व ना देखे आपको याद होगा जब वाजपेयी जी देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मानवर कानसिर साहब को राष्ट्रपति बनाने का ऑफ़र किया था लेकिन उन्होंने उस कुर्सी को ठुकराया और समाज को एकजुट करने को ज़्यादा महत्व दिया तो मेरा ये मानना है कि कुर्सी अपनी जगह है लेकिन कुर्सियाँ जितनी भी मिल जाएँ जो बाबा साहेब जिस पूरे जीवन के संघर्ष से हमारे लोगों को साढ़े तीन हज़ार साल की गुलामी से बाहर निकल कर आए और उसके बाद जो उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता खोला एजुकेशन के माध्यम से नौकरियों के माध्यम से जो रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया पिछले तीस सालों में वो रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा है सिकुड़ता जा रहा है अब नौकरियां हैं नहीं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट थर्ड क्लास एम्प्लॉयमेंट सारा आउटसोर्स हो गया है और भारत के ज़्यादातर संस्थान एक एक करके जो प्रेजेंट में भारत की सरकार है उसने भी और इससे पहले जो थी उसने भी एक एक करके भारत के संसाधनों को बेच प्राइवेटाइज कर दिया है तो वैसे भी नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं तो क्या हम लोग और दूसरी तरफ एजुकेशन को दोहरी दोहरी तरह की एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं और एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के लिए तो एजुकेशन जो रास्ता था उसको भी इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी शिक्षा है प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे कॉलेज में चले जाएँ इंजीनियरिंग में जाएँ या आप पब्लिक स्कूल में अच्छे में किसी में पढ़ेंगे तो आपको साल का लाखों का खर्च चाहिए जो हमारे लोगों के पास नहीं है तो हमारा एजुकेशन का रास्ता भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा है और नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं चूँकि देश के संस्थान बिक रहे हैं तो नौकरियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और फोर्थ क्लास और थर्ड क्लास को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है तो जब नौकरियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ एजुकेशन महंगी होने की वजह हम से हमसे छिन जाएगी तो क्या ऐसा तो नहीं है कहीं हम वापस दोबारा से गुलामी की तरफ़ बढ़ रहे हैं तो दे समाज फिर कमज़ोर हो जाएगा तो मंत्री बन के क्या कर लेंगे फिर तो केवल मंत्री बनने से मन को संतुष्टि नहीं है मंत्री के साथ साथ समाज को कैसे आगे ले जाया जाए ये ये ज़्यादा चिंता है जो रात दिन सताती रहती है इसीलिए हम लोग सारे अपने लोगों को जोड़कर एक टीम का रूप में निर्मित कर रहे हैं और पूरे चिंतन मनन के साथ समाज को कैसे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कैसे लेके जाएँ और जो बाबा साहेब का बौद्ध में भारत का सपना था अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत धरोहर को बचाने का उसको भी हमें उस तरफ भी जाना है तो ये उसी में हमारा सारा समय जा रहा है तो आर्थिक रूप तो से भी आप मजबूत करने का लक्ष्य है मिशन जय भीम का ये भी लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से भी लोगों को राह दिखाई जाए बिल्कुल आर्थिक रूप से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे क्योंकि सरकार से उम्मीद लगाना बेकार है कि सरकार हमें कुछ देगी सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकता अपने समाज को हमें तैयार करना पड़ेगा तो कोई ट्रेनिंग या बिज़नेस कोई रोड मैप होगा बिज़नेस रोड मैप होगा सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का भी आप लोग इस्तेमाल करें हाँ बिल्कुल करेंगे और उस रोड मैप पूरा बन रहा है उसका ख़ुलासा कुछ समय के बाद आपको पूरे तरीके से इज्जत से पूरे बहुजन को मीडिया को बुलाकर हम उसका खुलासा करेंगे एक बात तो मानना पड़ेगा इस देश में एक बार मैं कॉलेज में था और मैंने कहा था कि हमारे माता पिता शिक्षित थे इसलिए उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हमारी दादी कहती थी कि जिसके पास धन नहीं है उसके पास जन हो मतलब हमारे पास धन नहीं है तो हमारे हमारे पास बच्चे रहेंगे तो वो कमा के लाएंगे देखिए आज भारत में बहुजनों को जो भी मिल रहा है वो इस डर से कि इनकी वोट की ताकत है इनकी संख्या है और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया नहीं तो सोचिए हमारी क्या दुर्दशा होती और शायद मुझे लगता है कि अगर मिशन जय भीम अपनी संख्या को अपनी ताकत बनाता है और 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी होती है तो एक बड़ा लक्ष्य अचीवमेंट होगा और मैं फिर कह रहा हूँ आर्थिक बदलाव के बाद सामाजिक बदलाव की तरफ ही आप बढ़ेंगे और उससे बड़ी है सांस्कृतिक बदलाव कल्चरल हिज्मनी इस देश को जो जिस तरह से जो बुधमय भारत था जो सम्राट अशोक का भारत था उसी तरह का सपना बाबा साहब ने देखा था बुधमय भारत का उन्नीस में दौर बहुत लंबा निकल गया है समय बहुत लंबा निकल गया है राजनीतिक वजह से सामाजिक वजह से फिर वो सपना पूरा नहीं हुआ बहुत दिनों बाद एक लंबे गैप के बाद राजनीतिक चेतना तो जगी लेकिन सांस्कृतिक चेतना के लिए बहुत पहल नहीं हुई राजेंद्रपाल गौतम जो हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष चुना है बड़ा चैलेंज है कि क्या 2025 तक वो 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी करा सकते हैं और अगर हो गया तो एस सी एस टी ओ माइनॉरिटी के लोग राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत बनेंगे क्योंकि पहले आपको जाति के नाम पर नहीं पूछा जाता था जब जाति वोट में तब्दील हुई तब आपकी कदर बढ़ी आज धर्म की राजनीति हो रही है धर्म की राजनीति में भी आप फिसअडी हैं अगर दस करोड़ बहुजन बुद्धिस्ट होते हैं तो फिर धर्म के नाम पर जो राजनीति होगी उसमें भी आपकी हिस्सेदारी बड़ी बन सकती है क्योंकि दस से बारह करोड़ में लोग पी बनते हैं आप लोग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए कैमरा प्रतिनिधि के साथ शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें